गुलमर्ग की इस पहाड़ी पर एक छोटा सा विराम। पाकिस्तान की सीमा कुछ दूर बाद शुरू होती है और हम जहां हैं बारामूला, यह जनपद है बारामूला। चारों तरफ का आप देख रहे हैं, झरना आ रहा है ऊपर से पहाड़ियों से और भी ऊपर हम जा रहे हैं। और यह जो जंगल आपको दिख रहा है यह है भोजपत्र। राजा भोज इसी पर लिखे थे भोजपत्र, उसको लिखे थे जो क्रूर शासक था और भोज की हत्या करने के लिए जंगल में भेजा था। भोज ने लिखा था, मानधाता च महीपति कैसे है मुझे इस समय स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन भोज ने कहा था कि यह जमीन तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। ऐसा अब अपने घोड़े वाले साथियों के साथ आ जाओ। अभी छोटा बूंदाबांदी हुई तो इन्होंने कहा सर हमारा पहन लो आप, और आप अगर इंडिया जाओगे तो क्या कहोगे जा करके। हमने कहा बेटा पाकिस्तान में हूँ क्या, इंडिया के वो स्टेट तो हमने कहा बेटा पाकिस्तान में हूँ क्या, तो बेटा संभल गया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कामरान है। कामरान ऐसे क्यों तुम लोग बोलते हो कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया के जो स्टेट्स हैं बेटा, यह इंडिया ही है। यस यस, यह भारत था, यह भारत है और भारत ही रहेगा। और तुम लोग भारत के अभिन्न अंग हो। ओके यस सर। क्यों? सही बात, भारत से ही नहीं चलता है बेटा। पाकिस्तान यहाँ नहीं चलाएगा। माना कि कुछ दूरी पर हम सरहद पर खड़े हैं पाकिस्तान के, किंतु तुम लोग भारतीय थे, भारतीय हो और भारतीय रहना है। ठीक है, तो आगे से यह नहीं कहना है कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे। ओके ओके सर। कामरान बताओ अब यहाँ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आप कश्मीर आए, आप में बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप श्रीनगर से होते हुए आए, फिर आप मेन गुलमर्ग जो हमारी है, जो मेन गुलमर्ग का पॉइंट है उससे नीचे है। अभी आप गुलमर्ग के ऊपर वाले रीजन में आए हो। जो ये रेंज आपको दिख रहा है ये माउंटेन सारे, ये पीर पंचाल के रेंज आती है। पीर पंचाल की रेंज में ये सारे माउंटेन सारे। पंचाल माने पांच। पांच क्या चीजें हैं? पांच चीजें जो थी यहाँ के, वो इसमें पांच पानी निकलते हैं इसके पीछे से, उनके अच्छा। नाम पे इसका नाम पड़ा पीर पंचाल सर। तो ये पूरी रेंज आप देख सकते हो। एक नंबर, दूसरी ये भोज पत्र है, पेपर ट्री जिसे कहा जाता है, ये आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे और दूसरा ये गुलमर्ग इस रीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है ना सर। और ये जो वाटरफॉल है ये स्प्रिंग वाटरफॉल के नाम से मशहूर है। एक्चुअली में क्या है कि पानी आज थोड़ा कम है क्योंकि बर्फ जो पिघल चुकी है पहाड़ों से, थोड़ा कम पानी है। अच्छा बेटा चलो, यह जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में कितना बर्फ यहाँ होता है? यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च के ये पिक सीजन होता है स्नो का, इसमें कम से कम 25 फीट स्नो यहाँ पे रहती है। अच्छा, 25 फीट, 25 टू 30 रहती है इस जगह पे। अच्छा, जो आप दिख रही है बीच वाला ग्राउंड ये पूरा प्लेन होता है। अच्छा, इसमें पूरा कवर्ड होता है पूरा स्नो से, ये पूरा कवर होता है। और ये खिलनमर्ग का पूरा एरिया है नीचे वाला जो खिलनमर्ग। खिलनमर्ग क्या, खेल खेल खेलने की जगह सर? खेलने की जगह। जहाँ पे क्या, कैसे यहाँ खेलेंगे बेटा, कैसे यहाँ खेलेंगे बताओ। जब वही मैं कह रहा हूँ कि 25 फीट स्नो होता है, 30 फीट होता है और ये एकदम प्लेन होता है, पूरा एक मैदान बना हुआ होता है। इसमें विंटर स्पोर्ट खेलो इंडिया जो इवेंट होता है हमारा 32 डेज के लिए। बेटा हम आके पियेंगे अभी, अभी आके पी लेंगे, हो जाएगा, मजा नहीं। फिर किसी को पिला दो, हम आके पी लेते हैं। अभी आके पियेंगे। ओके, तुमको पीना हो पी लो, हम आके पियेंगे। पूछिए और क्या। अच्छा कामरान, फिर यह है खिलन, खिलन क्या, खिलनमर्ग, गुलमर्ग में खिलनमर्ग, गुलमर्ग में खिलनमर्ग सर। अच्छा, तो यहाँ घोड़े से आते हैं लोग, पैदल भी आते हैं? पैदल वो आते जो ट्रैकिंग करते हैं वो आ जाते। चलो चलो कामरान, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर इस समय अभी हम इस वक्त है? 11,560 फीट। पक्का 11,560 फीट पे अभी हम यहाँ पे हैं। 11,560 फीट पर हैं यहाँ पे पक्का। जब हम ऊपर जाएंगे तो कितना होगा? 14,800 फीट हो जाएगा। टॉप पर जाएंगे, टॉप पर अभी हम लोग चलेंगे। कहाँ तक जाएंगे? मैं इस टॉप की नहीं, मैं उस टॉप की बात कर रहा हूँ, वो जो टॉप है माउंटेन। अच्छा, अफरवट। अच्छा, तो अभी हम 11,060 फीट पे हैं जो इस एरिया में पूरा पड़ता है। अच्छा अच्छा कामरान बताओ, पहले जैसे आतंकी घटनाएं होती थी? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होती है ना, कुछ कम हुई है क्या है? कभी कभी हो जाती है कभी। ये जो एरिया है ना, ये पीर पंजाल का एरिया, ये सबसे सेफेस्ट एरिया आज अच्छा, तक अच्छा। पूरी हिस्ट्री 1947 से लेके आज तक यहाँ से कभी कोई घुसपैठ नहीं हुई है। अच्छा, एकदम सबसे सेफ एरिया ये माना जाता है। अच्छा, हाँ होती थी वो कुपवाड़ा, अनंतनाग और उधर कुपवाड़ा से ज्यादातर होती थी और इस। अच्छा, इधर इधर जो धूप दिख रही है कामरान, इधर बताओ वो कौन सा पोर्शन है? बादल जो सफेद बादल है उसके नीचे
ये जो है ये बारामूला का मेन डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, बारामूला टाउन है जो सर, ये हमारे गांव भी है यहीं पे, यहीं से हम आते हैं सर। और जो टॉप वाले बादल दिख रहे हैं ना सर, क्लाउड्स, वो है हिमालयस, इसके पीछे आपका लद्दाख और करगिल का रीजन जो वो पड़ता है। अच्छा, इसके बाद पहाड़ आप यहाँ से देख रहे हैं, लद्दाख और कारगिल का क्षेत्र, यानी वह जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के बाद, हिमालय के उस पोर्शन के बाद लेह लद्दाख का आपको मिलेगा। यस सर। और इस साइड में LOC का एरिया है जिसे हम उड़ी सेक्टर कहते हैं। उड़ी सेक्टर इस तरफ है और उसके बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पे उस पर मूवी भी बनी, यहाँ कौन सी मूवी बनी है यहाँ इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो शमी कपूर साहब आए, जंगली मूवी की शूटिंग हुई, याहू का गाना एग्जैक्टली यहाँ पे शूट हुआ है। चाहे जंगली के गाना कुछ आता है तुम्हें? गाने आते सर, बता, गुनगुना सुर नहीं है सर। गुनगुना दो बेटा, बिना सुर का गुनगुना दो, चलो बिना सुर का शूट हुआ है सर, बिना सुर का गुनगुनाओ, चलो। हमें वो हम नहीं गुनगुनाओ। कुछ शेर और बोलते हो? कुछ शेर और शायरी कुछ आता है? नहीं सर। यार कश्मीर की नाक कटा दोगे तुम, कैसे चलेगा? वो बोलते हैं तो लम्हा लम्हा इंतजार किया उस लम्हे के लिए, वो लम्हा आया तो बस एक लम्हे के लिए। हा, हा, हा। अब इतनी सी गुजारिश है उस खुदा से कि वो लम्हा फिर से आए एक लम्हे के लिए, और कश्मीर हमेशा रहेगा भारत के लिए। चलो ठीक है सर, ये ओके। ये आप दिख रहे हैं, ये फिशिंग लेक है जो नीचे दिख रही है। हाँ जी, ये फिशिंग लेक है, चिल्ड्रन पार्क है गुलमर्ग में। हाँ। यहाँ पे महाराजा पैलेस का एक पैलेस है सर, महाराजा हरी सिंह का, हरी सिंह का बहुत बड़ा पैलेस है वो। हाँ। भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक। और यहाँ पे बाकी भी प्लेसेस है गुलमर्ग में, बूटा एक जगह है, बहुत अच्छी जगह। तो दोस्तों, ये रहा कामरान के साथ ये हमारी एक अल्प वीडियो जिसे हमने दिखाया, और यह इसे आप देख रहे हैं, यह झरना देख रहे हैं, और उधर हमारे घोड़े हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, घोड़े यानी खच्चर। गधा और खच्चर का जब क्रॉस होता है, गधा और घोड़े का जब क्रॉस होता है तो खच्चर पैदा होता है। यह वर्ण संकर प्रजाति के हैं और बड़े तगड़े हैं, इनको पता है कहाँ पैर रखना है और ऐसे, और यह लोग खच्चर के साथ ले आते हैं। तो अब जिधर धूप है उस तरफ भी हम चलेंगे। और दूसरी बात, अभी हाँ। हम सर एशिया के बेस्ट स्की रिजॉर्ट पे हैं। अच्छा, जो विंटर में एशिया का सबसे बेस्ट स्की रिजॉर्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। वाह, फिर एशिया का तो एक नंबर का है ही है। और जो गुंडोला है हमारा सेकंड फेज, जो एकदम टॉप पे जा रहा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है सर। और हमारे पास वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ भी है जो नीचे है। ये चीजें हमारी जो है वर्ल्ड में किसी और। ठीक है बेटा, शुभकामना 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 कामरान बेटा की जय हो।